हेलो जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ प्रभु की कृपा से आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। रोज एक जैसा हम ब्रेकफास्ट कर करके ना, हमारा जो दिल है ना, कई बार भर जाता है। हमारा दिल नहीं करता एक जैसा ब्रेकफास्ट खाने का, तो मैंने सोचा कुछ अलग बनाएं। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में मीठा बनाएंगे ना। तो ये हलवा है, आप देख सकते हो, कोई हलवा नहीं मैंने बनाया ना, कोई मिठाई है। देखते हैं इसको कैसे बनाना है आगे। अब देख रहे हो जी कितना सुंदर देखने में लग रहा है। जितना ये देखने में सुंदर है, उतना ही खाने में भी बहुत टेस्टी भी है और हेल्थी भी होगा ये, क्योंकि हमने कोई मैदा इसमें इस्तेमाल नहीं किया, ना तो हमने कोई आटे का इस्तेमाल किया। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मैं डी मार्ट जलंधर में गई तो मैंने वहाँ पे देखा इसको, इसको लपसी बोलते हैं। ये रवा से थोड़ा सा मोटा होता है और जो दलिया होता है उससे थोड़ा सा कम, दलिया मोटा होता है उससे थोड़ा सा छोटे दाना होता है इसका। तो ये मैंने सोचा ये हैवी, ये हेल्थी हेल्थी ऑप्शन है इसको खाना, तो क्यों ना इसी की रेसिपी एक बनाई जाए। आप देख सकते हो इसका, पढ़ सकते हो सारा। तो ले लेते हैं, एक कप मैंने ले लिया इसको, थोड़ा सा एक साइड से मैंने काटा इसको, क्योंकि ये इतना तो हमने बनाना नहीं है, थोड़ा बनाएंगे। ये फूल के बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये छोटी कटोरी थी, ये ले ली मैंने एक, आप देख सकते हो इसके दाने हैं ना, सूजी से थोड़े से ही मोटे मोटे हैं, ज़्यादा ज़्यादा मोटा भी नहीं है। एक कढ़ाई में हम डाल लेते हैं घी। सबसे पहले जो भी हमने चॉप किया हो ना ड्राई फ्रूट, उसको हम थोड़ा सा क्रंची होने तक इसको थोड़ा सा भूनेंगे, ताकि खाने में जब मुंह में आए ना तब वो ज़्यादा टेस्टी लगता है ऐसे क्रंची। इसको ज़्यादा भी नहीं करना, जो हमने सौंगी डाली है ना ये फूल जाएगी तो हमने इसको निकाल लेना है। अगर ज़्यादा इसको रहने देंगे इसको तो ये कड़वी हो जाएगी। उसी घी में हमें ये जो हमने रवा है ना ये मोटे वाला, इसको हमें इसके बीच में डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे इसको। इसको हमने इतना भूनना है कि इसका ये जो कलर है ना ये लाइट हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। ये है ना थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो रहा है इसमें, ये सारा कलर चेंज हो गया, बस इस तरह का ही हमें चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हमने इसी के हिसाब से डालना है, जैसे हमने एक कटोरी लिया थे इसमें हम डालेंगे 3 कटोरी पानी। ये तो कम ज़्यादा हो सकता है, जैसे अगर हमारा ये जो लपसी है ये अगर मोटी कम है तो इसमें पानी कम डलेगा, अगर ज़्यादा मोटा दाना हो तो ज़्यादा पानी डलेगा। तो इसमें टेस्ट के मुताबिक हमने जो भी चीनी वगैरह डालनी है वो डाल सकते हैं। मैंने मिश्री डाली है, इसको मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देते हैं। बीच बीच में हम थोड़ा सा चेक करते रहेंगे कहीं नीचे ना लग जाए, इसको थोड़ा सा हिला भी देंगे। अब देख सकते हो ये तकरीबन बन के तैयार हो गया। अब हम ऐसे इसको बिना ढक्कन के पकाएंगे, ताकि इसका पानी भी वो सूख जाए। अब हमने जो हमारा तैयार हो गया, इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल लेते हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं इसके बीच में। अब हम जो फ्लेम है इसको ऑफ कर देते हैं, थोड़ा देर इसको ऐसे ही रखेंगे। मैंने ऐसे थोड़ा सा ऐसे इकट्ठा करके थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ूंगी, 3-4 मिनट के लिए। ऐसे भी थोड़ा सा पक रहा है क्योंकि कढ़ाई वगैरह गर्म होती है ऐसे, तो फिर आप देखना इसके बाद कैसे ये हिला हिला सा हो जाता है। 4 से 5 मिनट हम इसको, ज़्यादा नहीं इतनी हम रेस्ट देंगे। ये धीरे धीरे थोड़ा पकने के बाद थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा, हम देख सकते हैं थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ये कितना अच्छा ये हिला हिला सा हो गया। अब हम इसको सर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। ईश्वर की कृपा हमेशा सब पर बनी रहे।